टीम नंबर 1 और टीम नंबर 4 के बीच में फाइट होने के बाद यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 1 के एक बंदा यहाँ पे लुढ़क चुका है और टीम नंबर 4 के बीच में यहाँ पे फाइट लगने वाला है, बंदे के द्वारा यहाँ पे लुढ़कने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 4 के जो बंदे हैं वो फिलहाल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं। टीम नंबर 18 के जो बंदे हैं वो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे हैं बंदे हैं। सो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी तगड़ा हो रहा है, बार बार वो देखने का सिचुएशन है। आज तो थैंक गॉड एक डैमेज करने वाले हैं। नहीं, फिल्म के पहले का टाइम के साइड टाइम पे यहाँ पे एक्स मैक्स के टीम यहाँ पे टीम नंबर 20 के ऊपर स्प्रे दे सकते हैं। तो यहाँ पर टीम नंबर 25 की एंट्री होने के बाद टीम नंबर 25 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे टीम नंबर 11 के साथ फाइट लिए हैं। टीम नंबर 11 के जो स्क्वाड के बंदे हैं फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 19 के बंदे को थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, फिनिश भी हो चुके हैं, सरवाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 10 डीआरके के टीम के बंदे यहाँ पे फिनिश हो गए, डीआरके से यहाँ पे दूसरा ग्रेनेड डाल रहे हैं। तो फिलहाल टीम नंबर 19 यहाँ पे पहुंच चुका है। टीम नंबर 19 और टीम नंबर 10 के बीच में यहाँ पे फाइट होता हुआ दिखाई देंगे। टीम नंबर 10 के जो बंदे हैं वो फिलहाल आप लोग देखोगे कि बिल्कुल एक बंदा कोने में रख चुका है, दूसरा बंदा यहाँ पे जो है शाम को जो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग रूम के पास है। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 10 और टीम नंबर 19 के बंदे आपस में बैठते हुए दिखाई देंगे। आसाम और त्रिपुरा के टीम के नॉर्थ ईस्ट के लोग टीशर्ट देखने को मिल जाएगा लोगों को। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर आगे लेके चलते हैं, कैमरा को यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देंगे। कैमरा को और भी ऊपर लेके चलते हैं और यहाँ से फिलहाल देख लेते हैं कौन सा टीम कहाँ पे है। ओके, सो फिलहाल टीम नंबर 19, टीम नंबर 8, टीम नंबर 23 ये सारे के सारे टीम्स को दिखाई दे रहे हैं। सो टीम नंबर 18 के जो बंदे हैं टीम नंबर 19 के बहुत करीब हैं, टीम नंबर 25 के बहुत करीब हैं। टीम नंबर 25 के ग्रेनेड फेंक रहे हैं और ग्रेनेड फेंकने का, अरे भाई ग्रेनेड फेंकने के बाद ऐसे क्यों भाग जाते हैं, समझ में नहीं आया। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं क्रू यहाँ पे डाउन हो चुका है, मिनी मिनी को दिखाई दे रहे हैं, स्मोक डालने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे टीम के बंदे टीम नंबर 18 के बंदे के दौरान करते रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं जो टीम एक्स मैक्स चले गए हैं फिलहाल लॉबी पर। टीम नंबर 22 के बंदे यहाँ पे दो बंदे सरवाइव कर रहे हैं, टीम नंबर 18 के बंदे दो बंदे सरवाइव कर रहे हैं, टीम नंबर 4 के बंदे यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। सारे टीम के नाम बता देते हैं कहाँ से वो बता देते हैं। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं टाइटन इरेजर्स के टीम के बंदे, टाइटन इरेजर्स के टीम के जो बंदे हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पे टीम नंबर 4 के जो बंदे हैं वो चले गए फिलहाल लॉबी पर, एक सोलो लोटा पुश किया था ना वो फिलहाल चले गए लॉबी पर। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं टाइटन निंजा के बंदे वो
अकेला बंगाल के टीम के बंदे वो फिलहाल सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिनी को सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 19 और टीम नंबर 18 आपस में लड़ेंगे। टीम नंबर व्हाट द हेल पैराबॉय का दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे डाउन है और फिलहाल सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पे अपने टीममेट से रिवाइव होने का भी कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ पे पुश करने कर रहे हैं, दो बंदे प्रिंस और पुनीत यहाँ पे दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं तीन टीम, टीम नंबर 19, टीम नंबर 18, नॉर्थ ईस्ट के दो टीम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे और दो टीम है, टीम नंबर 10 के जो बंदे हैं वो फिलहाल क्या रे भाई क्या ही ग्रेनेड था रे, लौड़े लग गए। तो फिलहाल यहाँ पे राजस्थान की टीम, टीम नंबर 18 और टीम नंबर 10 हुआ दिखाई देंगे। अरे चलना अंदर चलना, चलिए फिलहाल डीआरके के जो टीम है त्रिपुरा के टीम के बंदे हैं, टीम नंबर 10 सामने टीम नंबर 18 के बंदे फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो राजस्थान की टीम के बंदे XLLZ, क्या नाम है मुझे नहीं पता है, बट देखना पड़ेगा क्या नाम है। जो भी है टीम नंबर 10 के जो बंदे हैं उनके पास प्रिंस पहुंच चुके हैं, टीम नंबर 18 के बंदे राजस्थान के टीम के बंदे। तो फिलहाल यहाँ पे राजस्थान के टीम के बंदे की 11 किल हो चुके हैं। टीम नंबर 10 की बात करेंगे वो टीम की, यहाँ पे दो बंदे त्रिपुरा के टीम के बंदे पहली बार खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दो किल यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखते हैं टीम नंबर 10 या फिर टीम नंबर 18 के बीच में कौन सा बंदा यहाँ पे आगे तरफ सर्वाइव करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे तो क्या इन लोगों के पास ग्रेनेड स्मोक वगैरह कुछ नहीं है, स्प्रिंट्स के पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हेल्थ किट, 5 बैंडेजेस और इनके पास जो है हमारे हेलमेट फेस बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं। पुनीत की बात करें, पुनीत के भाई की यहाँ पे फिलहाल लेवल 3 की वेस्ट थोड़ा सा डैमेज है, इनके पास 11 माँ कसम 11 फर्स्ट एड है भाई, देखो जरा पुनीत भाई के पास 11 बैंडेजेस हैं। शाम की बात करेंगे डीआरके की, शाम की इनके पास लेवल 2 का जो हेलमेट है फुल डैमेज खा चुका है और हेल्थ किट है। और जीवस की बात करेंगे, जीवस की थोड़ा सा देख लेते हैं, जीवस के पास 17 फर्स्ट एड, 17 बैंडेजेस, 2 फर्स्ट एड और हेलमेट वेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक है। सो देखते हैं क्या होता है, जोन मुझे लगता है कि जोन बनने वाला है आगे, बट देखते हैं क्या होता है। लौड़ेल किसका लगेंगे वो देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे कौन जाएंगे, कौन किसके हाथ में मरेगा देखेंगे, बट कौन किसका हाथ में गांड हाथ में जाकर देके देता है वो देखते हैं, गांड मारेंगे कौन किसका देखते हैं। तो कुछ जरा सबर रखो, बोला ना धक्का उक्के नहीं करने का। तो यहाँ पे टीम नंबर 10 के बंदे के द्वारा, तो यहाँ पे देखो भाई प्रिंस जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे टीम नंबर 10 के बंदे के ऊपर पूछ रहे हैं। पुनीत भाई यहाँ पे सिचुएशन देखो, फर्स्ट एड लगा के बार ये कर रहे हैं, हीलिंग मार रहे हैं, हील बैटल कर रहे हैं और टीम नंबर 10 की बंदे the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.